अगर हम अपने बचपन को पिछले समय में देखें तो हमें पता चलेगा कि बिगड़े हुए बच्चे शब्द का अर्थ तब अलग था और अब अलग है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बिगड़े हुए बच्चों के बारे में बताएंगे। जब हम छोटे थे तब हम जैसे मध्यम वर्गीय बच्चों के पास आज के जमाने के बच्चों की तरह आईपैड, मोबाइल फोन, लैपटॉप नहीं थे। हम मिट्टी से, कंचों से और गिल्ली डंडे से खेलकर खुश थे। लेकिन आज के बच्चों की मना स्थिति कुछ अलग ही है। आज के जमाने के बच्चों को शॉपिंग पर ले जाना काफी कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि वो हर उस चीज की मांग करते हैं जो उनको भाती है, और हर वो चमकदार चीज जो बच्चों को भाती है वो हमारे बजट में नहीं होती। पर शायद ब्रिटिश की मैकिना ने ये कभी सीखा ही नहीं। केली और एलन की बेटी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है। उसने अपने माँ बाप को खुद से दूर रखने के लिए उन्हें मंजूर कर लिया, ताकि वो महंगे कपड़े और महंगा मेकअप का सामान ले सके। वहीं दूसरी ओर उसके माता पिता के पास अपने रूम का भाड़ा भरने और महीने का राशन लेने के पैसे तक नहीं है, क्योंकि सारे पैसे उसके बच्चे पर खर्च हो जाते हैं। माँ बाप का धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को जरूरत का सामान दें और उन्हें पाल पोस कर बड़ा करें, जब तक कि वो खुद का ख्याल रखने के लिए सक्षम ना हो जाए। पर राशन कैनन की मना स्थिति कुछ अलग ही थी। वो अपने 18 साल के बर्थडे के दो दिन पहले ही अपने दोस्त के पास रहने के लिए घर छोड़कर चली गई, और वो अपने माता पिता से ये मांग करती रही कि वो लोग उसके कॉलेज की फीस भरे और उसे 41,000 रुपये प्रति महीना पॉकेट मनी के रूप में देते रहे। लेकिन उसकी मांग ठुकराने के बाद वो अपने माता पिता को कोर्ट लेकर चली गई, ताकि वो अपनी मांग पूरी करवाने के लिए कोर्ट के सामने दबाव बना सके। पर अंत में न्यायाधीश ने केस बंद कर उसे फिर से घर लौटने का आदेश दिया। एक खराब बच्चे को खुद के लिए धन खर्च करने के लिए अपने माता पिता को रोकना काफी दुर्लभ है। पर बहुत लाड़ प्यार से पाले हुए जेम्स ने ये कोशिश की। जेम्स की माँ जेम्स के लिए जो मन करता वो उसे लाकर देती थी। उसकी माँ ने उसके लिए इटली के सबसे महंगे कुकिंग कॉस्ट लगवाए। उसकी माँ का ये कहना था कि ये सब उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए था, और उसे हर रात सबसे महंगे 5-स्टार होटल का खाना मिलता था। पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इतना सब करने के लिए उसकी माँ खून पसीना एक करके काम करती थी। दुबई दुनिया का सबसे अमीर शहर है, और शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम दुबई का प्रिंस है, और वो अपने देश का पैसा रोमांस करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो खुद के लिए महंगी गाड़ियाँ खरीदता है। उसकी डायमंड वाली मर्सिडीज $4.8 मिलियन की है, और जब वो समंदर में घूमने निकलता है तो दुनिया के सबसे बड़े जहाज में निकलता है। दोस्तों, आप इन बिगड़े बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप उन बिगड़े बच्चों की जगह होते तो आप क्या करते, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको जो बेल आइकन नज़र आए उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपके लिए फिर से और अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक मुझे दीजिए अलविदा, और आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए।